आज मैं वर्ग 7 के छात्रों को पूर्णांक से संबंधित जो प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है इसके लिए हम लोग बता रहे हैं कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि पूर्ण ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे कहते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 इस तरह से हम लोग आदि। इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे लिखते हैं यह शून्य हो गया, शून्य के बाईं ओर जो ऋणात्मक है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक। तो संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर समान दूरी पर ऋण पूर्णांक जो शून्य से छोटी घटते क्रम में होती है। संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर समान दूरी पर घन पूर्णांकों के जो घन पूर्णांक जिसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर बढ़ते क्रम में होते हैं। संख्या रेखा पर शून्य से प्रारंभ होने वाली जो पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे अगर हम देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 आदि, ये सारा जो है ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम लोग थोड़ा सा जाने कि पूर्णांकों का जो योग तथा घटाव का गुणधर्म। तो पहला है नीलिमा या संवृत या संवरक, तीनों एक ही है। दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव पूर्णांक होता है। यदि दो संख्याओं का जोड़ तथा घटाव यदि पूर्णांक आता है तो उसे संवरक नियम कहते हैं। जैसे देखते हैं कि 4 + -8 बराबर हो गया माइनस, फिर उसी प्रकार दूसरा है कि 4 - 8 बराबर 12। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा है कि क्रम विनिमय नियम, यदि ए और बी दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर जोड़ने पर यदि परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पूर्णांकों का क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं ए जोड़ बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। उसी प्रकार 4 + 5 = 5 + 4 = 9। तीसरा है साचर नियम, यदि ए बी और सी तीन पूर्णांकों को क्रम बदलकर जोड़ने पर यदि परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम साचर नियम कहते हैं। जैसे लिखते हैं ए प्लस बी, छोटी ब्रैकेट है, बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी ब्रैकेट में कि प्लस सी। उसी प्रकार लिखते हैं हम उदाहरण देकर के कि 4 + 5 + 6 बराबर 4 + 5 + 6, यानी हम क्रम बदल कर लिख रहे हैं तो उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं तीसरा, चौथा देखते हैं योज प्रतिलोम, यदि दो समान ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम क्या होता है शून्य हो तो पहले को दूसरे का योज प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे लिखते हैं a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, फिर b प्लस माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार लिखते हैं कि 6 + -6 इज इक्वल टू जीरो। अब अगला है इसका पांचवा जो नियम है योज तत्समक, यदि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर पूर्ण का इन प्रश्नों को आप बताएंगे कि निम्नलिखित किस नियम का पालन करता है, उस नियम को हल करके जवाब देना है, दिक्कत होने पर पुनः आप पूछ लेंगे। धन्यवाद।